पुलिस हिंसा की गहन पड़ताल कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में पहुंचे आरोपी अंसार और असलम का परिवार दोनों को बेकसूर बता रहा है। दो साल से जानते हैं, वो अच्छे व्यवहार के आदमी हैं, सभी को कोऑपरेट करते हैं, सभी जाति को। शोभा यात्रा निकलना था बगल वाले रास्ते से, क्यों नहीं निकला? और शोभा यात्रा वो रोजा खुलने के टाइम में क्यों निकला? वो फारिन का हमारे खाने का रोटी नहीं तो फारिन का कहाँ से पैसा हो जाएगा हमारा? पूरा गली में चलो ना, पूरा सब कुछ ढूंढ लो ना, इनसे पूछ लो ना। वो तो घर से उठाया असलम को, मस्जिद के पास से थोड़ी ना उठाया, लड़ाई से उठाता फिर मानती, वो घर से उठा के लाया उसको। वीडियो तो होगा ना, अगर औरत ने क्या है बच्चे ने क्या, कुछ तो वीडियो होगा। पुलिस वाले बहुत कुछ बोल देते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस अलर्ट पर है। जहांगीरपुरी में स्थिति अब कंट्रोल में है, लेकिन एहतियातन भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जांच के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। जी दिल्ली NCR हरियाणा भी लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है। बलराम पांडे, तरुण कालरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।